लोधी उद्यान दिल्ली शहर के दक्षिणी मध्य इलाके में बना सुंदर उद्यान है। ये सफदरजंग के मकबरे से 1 किलोमीटर पूर्व में लोधी मार्ग पर स्थित है। इस उद्यान के खुलने और बंद होने का समय गर्मी का मौसम अप्रैल से सितंबर 5 बजे से रात 8 बजे तक है। सर्दियों का मौसम अक्टूबर से मार्च सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक है। पहले ब्रिटिश काल में इस बाग का नाम लेडी विलिंगटन पार्क था। यहाँ के उद्यान के बीच बीच में लोधी वंश के मकबरे हैं तथा उद्यान में फव्वारे, तालाब, फूल और जॉगिंग ट्रैक भी बने हैं। यह उद्यान मूल रूप से गांव था जिसके आसपास 15वीं-16वीं शताब्दी के सैयद और लोधी वंश के स्मारक थे। अंग्रेजों ने 1936 में इस गांव को दोबारा बसाया। यहाँ नेशनल बोनसाई पार्क भी है जहाँ बोनसाई का अच्छा संग्रह है। इस उद्यान क्षेत्र का विस्तार लगभग 90 एकड़ में है जहाँ उद्यान के अलावा दिल्ली सल्तनत काल के कई प्राचीन स्मारक भी हैं, जिनमें मोहम्मद शाह का मकबरा, सिकंदर लोधी का मकबरा, शीश गुंबद एवं बड़ा गुंबद प्रमुख हैं। इन स्मारकों में अक्सर मकबरे ही हैं, जिन पर लोधी वंश द्वारा 15वीं सदी की वास्तुकला का काम किया दिखता है। लोधी वंश ने उत्तरी भारत और पंजाब के कुछ भूभाग पर और पाकिस्तान में वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा पर वर्ष 1451 से 1526 तक शासन किया था। अब इस स्थान को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण प्राप्त है। यहाँ एक उद्यान भी है जहाँ पेड़ों की विभिन्न प्रजातियाँ, गुलाब उद्यान और ग्रीन हाउस है जहाँ पौधों का प्रतिकूल ऋतु बचाकर रखा जाता है। पूरे वर्ष यहाँ अनेक प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। एक बार आप लोधी गार्डन में दाखिल होते हैं तो आप इतिहास को हवा में तैरता महसूस कर सकते हैं। आज ये दिल्ली के सबसे अच्छे जॉगर्स पार्क में से एक है। आप लोधी गार्डन में रोज सुबह बड़ी संख्या में लोगों को देख सकते हैं। कोई जॉगिंग कर रहा होता है तो कोई योगा या ध्यान। आसपास का वातावरण भी हरे भरे पर्यावरण से जी उठता है।